Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to Ved Prep Biology Academy. Okay, so we have started this series for all the students who are targeting CUET PG. और बेटा इस सीरीज में हम लोग different units cover कर रहे हैं. For an example, like biochemistry, animal physiology, cell biology, evolution. और बेटा जो topic मैं cover कर रही हूँ is your animal physiology. और इसमें हम लोगों ने start करा है आपके digestive system से. All right, और डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2, which means I have already taken lecture 1, जिसमें मैंने आपको basics जो थे about digestive system वो cover कराया था, and also I have covered certain layers of your gut, ठीक है, all right, okay, good morning, Arushi Parekh, good morning Shalu, कैसे आप लोग, how are you guys, आज तो शिवरात्रि है, तो गए मंदिर वगैरह गए थे या नहीं, कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में. हेलो, गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग मोनू, गुड मॉर्निंग, हैप्पी महाशिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई. ओके, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है. चलिए, तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड दिस सेशन, इट्स माय रिक्वेस्ट टू काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, इस जो सेशन का जो लिंक है बेटा, आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दो. ऑल दोज हु आर टारगेटिंग CUET PG एज वेल एज CSIR NET. ठीक है, और बेटा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, आप लोगों को सभी को बताना है कि जैसे आपका टारगेट CUET वाला PG का जो सीरीज चल रहा है, अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने एक CSIR NET का भी सीरीज चालू कर रखा है. तो आप लोग बेटा, लाइक इफ यू वॉन्ट टू कवर 2 यूनिट्स एट अ टाइम, तो आप ये वाला सीरीज भी देख सकते हैं और CSIR NET वाला भी देख सकते हैं. ठीक है, अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो बेटा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. कंटेंट जो है बेटा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है फॉर CUET PG एंड CSIR NET. डिफरेंस आता है बेटा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है. जैसे कि आपकी CSIR NET में बेटा जनरली एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो बी सेक्शन होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द CUET PG एंड UG टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिक जो चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर बेटा आप कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, बीइंग इट द नॉर्मल क्वेश्चंस और योर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस. ठीक है, ऑलराइट. गए थे प्रियांशु, गए थे, मैं गई थी सुबह सुबह ही उठ के 5-6 बजे के अराउंड गई थी मैं. मोनू, हम लोग ये सारी चीज ना डिस्कस करेंगे बट ओनली स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, ये जो पूरा सिस्टम है वी विल बी डिस्कसिंग बट ओनली स्टेप बाय स्टेप. अभी बेटा डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वी विल बी डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक. जो भी हमारा टॉपिक है बेटा वो हम लोग थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, बट जहां जहां लगेगा बेटा, वेयर एवर आई विल फील की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत करो. ये बेटा आपके एक्सक्रीशन में भी आता है एंजियोटेंसिन. ऑलराइट, ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको जो लास्ट लेक्चर सीरीज थी, लास्ट जो लेक्चर था वो फुल ऑन मतलब क्लियर होगा. ठीक है, तो बेटा अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं. आज का स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. तो बेटा आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दैट हमारी बकल कैविटी में 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. वन वाज पैरोटिड, जो कि बेटा आपकी चीक्स की साइड होती है, एंटीरियर टू द ईयर, और एक थी बेटा कौन सी आपकी, सब लिंगुअल विच वॉज बिलो द टंग, एंड वन वॉज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल कह लो. ठीक है, तो बेटा अभी है ना हम लोग कुछ आपके सलाइवा के बारे में ही डिस्कस करते हैं. प्रियांशु देखिए, लेक्चर तभी इनफ रहेगा इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग. ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं अपनी साइड से. ठीक है बेटा, ये एक एसेंशियल पार्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मेनी टाइम्स आपको चीजें पता होती है बट यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट. तो अप्लाई करने का वो आपको तरीका तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो द एफर्ट फ्रॉम योर साइड, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग द लेक्चर, एंड हाउ आर यू अटेंडिंग दिस लेक्चर. ठीक है, कितने अटेंटिव होकर ले रहे हो, लेक्चर्स के नोट्स बना रहे हो. तो बेटा ये सारे फैक्टर्स तो इंक्लूडेड है ही, बट यस वी आर लाइक टारगेटिंग कि आप लोग को जितना हो सके, ठीक है, 1 आवर के लेक्चर में जितना इन्फॉर्मेशन हो सके, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू प्रोवाइड यू. ऑलराइट, वॉइस नहीं आ रही है कृष्णा, कृष्णा कोई वॉइस नहीं आ रही है या बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं आ रही है, जस्ट टेल मी वन मोर टाइम ये वाला चीज,
फिर आई विल प्रोसीड विद द लेक्चर. स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, आ रही है वॉइस? मोनू ओके. कृष्णा आई गेस आपकी साइड से थोड़ा इशू होगा, सो आप थोड़ा नेटवर्क वगैरह चेक करो. ऑलराइट चलिए बढ़िया. तो बेटा मैंने आपको स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो बेटा मैंने अभी नेम्स आपको मैंने बता दिए हैं. अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग. और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो आपका स्लाइवरी अमाइलेज निकालता है ना, स्लाइवरी अमाइलेज निकालता है, जिसको और क्या नाम दिया गया है, ऑल्सो नोन एज बेटा टाइलिन. इसको बोलते हैं बेटा टाइलिन. और इसका पीएच जो होता है बेटा वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 6.4 से या 6.2 से लेके 7.4 तक होता है बेटा इसका पीएच. 6.2 से लेके 7.4 तक इसका पीएच जाता है. और बेटा माउथ में ही आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. माउथ जो है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकाल रहा है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज. और इससे क्या होता है, इससे बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स. ठीक है बेटा, ये तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, बट थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. ठीक है बेटा, जो इंपॉर्टेंट एविडेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो सब हम लोग ले लेते हैं. ओके ओके क्लियर. ठीक है, अच्छी बात है, आप सबको वॉइस क्लियर है. तो कृष्णा आई थिंक आपकी साइड से थोड़ा इशू होगा. तो यहाँ मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट है ना बेटा. और इसमें अगर हम बेटा कंपोजिशन की बात करें, तो आपकी जो स्लाइवरी अमाइलेज होती है उसमें 99.5% तो बेटा पानी होता है, और बचा हुआ 0.5% होता है बेटा सॉल्यूट. ठीक है, तो चलो ये भी लिख लेते हैं कंपोजिशन के बारे में. इसका जो आपका कंपोजिशन है, इट इज ऑलमोस्ट 99.5% इज बेटा वाटर, एंड 0.5% इज योर सॉल्यूट. और बेटा इस 0.5% के सॉल्यूट में ही काफी चीजें प्रेजेंट होती है. और इसमें ही बेटा क्या होता है, आपकी काफी चीजें कंपोनेंट्स वगैरह प्रेजेंट होती है. अब ये देखिए बेटा, पहले देखो बेटा एक बार एक पार्ट में क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पे आती हूँ. ऑलराइट, मुझे बस इतना सा थोड़ा सा कवर करने दो, सो दैट कि आप लोग को थोड़ा लगे कि मैम ने कुछ तो पढ़ाया है, रादर देन जस्ट लाइक लुकिंग ऑन टू योर कमेंट्स. ठीक है, तो बेटा 0.5 जो है आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट प्रेजेंट है. और इसमें बेटा क्या होता है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, जो कि बेटा आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है. आप खुद सोचो, आप लोग अनहाइजीनिक फूड वगैरह कभी खाते हैं या फिर स्ट्रीट फूड खाते हैं, विच इज जनरली लाइक अनहाइजीनिक. ठीक है, बट स्टिल आप लोग को इन्फेक्शन नहीं होता है. क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि सबसे पहले जो माउथ में आपका एंजाइम आ रहा है विच इज लाइसोजाइम, इट हेल्प्स टू लाइक प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय किलिंग दैट बैक्टीरिया. ऑलराइट, तो बेटा आपके स्लाइवरी ग्लैंड में होता है लाइसोजाइम. और बेटा एक एंटीबॉडी होती है जिसको बोलते हैं हम बेटा IgA. ठीक है, और बेटा क्या प्रेजेंट होता है, आपका जो म्यूकस होता है वो प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, इतना क्लियर है बेटा, इतना पार्ट क्लियर है. ये मैंने जो आपको डिस्कस करा है ना, ये 0.5% वाले के लिए डिस्कस करा है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. और बेटा कुछ अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड भी होता है. ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. ओके, लिंगुअल लाइपेस. यस रश्मि, लिंगुअल लाइपेस. देखो बेटा इसमें भी क्या टर्म आया आपकी, लिंगुअल लाइना, दैट मींस दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर टंग. ठीक है, लिंगुअल लाइपेस जो होगा, इट इज सिक्रेटेड बाय योर टंग, लिंगुअल ग्लैंड जो कि सिक्रेट करेगा बेटा लिंगुअल लाइपेस. अच्छा, अब लाइसोजाइम थाइसाइनेट IgA, यस वेरी गुड. अब अच्छा, इन्होंने और पूछा था स्लाइवरी ग्लैंड बेटा, यस 6 in number होते हैं, 6 in number. ठीक है, और ओके चलिए, बायकार्बोनेट आयंस, यस. बाकी के बेटा फैक्टर्स जो है, जो मेजर है ना, मेजर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो इस तरीके से पूछा जाएगा, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन योर
माउथ, ठीक है। अब बेटा एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, एंटीबॉडी हमने डिस्कस करा है, तो आप एक चीज और बता दो, विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड, इसका पार्ट नहीं है, है तो रिप्रोडक्शन का पार्ट, बट स्टिल आई एम आस्किंग, थोड़ा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस जेस्टेशन पीरियड में वाया प्लेसेंटा, ये बता दो बेटा क्वेश्चन, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी पास होती है। बेटा यहाँ पे हमने डिस्कस करा ना एक एंटीबॉडी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक और, ओके ग्रेट, अंकित हैज रिप्लाइड, बाकी के स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। ओके शालू आई जी जी, यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात बेटा। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो यहाँ देख सकते हैं, इधर मैं ब्लॉक में बना रही हूँ, तो बेटा प्लेसेंटा के थ्रू जो आपकी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है वो होती है बेटा IgG, ठीक है, IgG जो होती है बेटा वो प्लेसेंटा के थ्रू फ्रॉम मदर टू फीटस गेट्स ट्रांसफर्ड, ऑल राइट। और बेटा यहाँ पे हमने कौन सी बात करी है, जो आपके सिलाइवा में प्रेजेंट है इज योर IgA, ठीक है बेटा। तो सो दैट यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड आपको मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, चलिए बेटा तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बेटा सिलाइवा क्या कर रहा है, सिलाइवा जो है ये आपके डाइजेशन ऑफ स्टार्च करवा रहा है ना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और बेटा स्टार्च ही क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, है ना बेटा, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। अब जो बेटा सिक्रीशन होता है सिलाइवा का, उसको बोलते हैं सिलाइवेशन। जैसे आप कभी भी किसी भी अगर आप बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है और आप किसी भी ऐसी शॉप पे चले जाए जहां पे खाने की चीजें मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली द सिलाइवा गेट स्टार्ट्स टू सिक्रीट फ्रॉम योर माउथ, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सिलाइवेशन। और बेटा ये कैसे कंट्रोल्ड है, ये होता है कंट्रोल्ड बाय ANS, ठीक है, ANS विच इज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और बेटा उसमें भी ऑटोनोमिक में भी बेटा कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा आपका पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, मतलब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है ना कि खाने का देख के ही, या किसी का सुन लिया कि अच्छा उसके यहाँ ये खाना बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं, पाव भाजी बन रही है, तो आपके ऑटोमेटिकली माउथ में जो बेटा सिलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द नर्वस कंट्रोल विच इज कंट्रोल्ड बाय ANS, और ANS में भी बात करें तो बेटा पैरासिम्पेथेटिक। हाँ जी पूछिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट एवर इज योर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इफ इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू, ठीक है बेटा। अब देखिए हम बात करते हैं, ओके प्रेस लाइक, ओके चलिए, तो बेटा अभी हमने आपकी सलाइवा की बात कर ली, अब आ जाते हैं आपके किस पे, टीथ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन टीथ। आपको ये बताइए, पहले मुझे बता दो ये वाली स्लाइड क्लियर थी या नहीं, दिस स्लाइड इज क्लियर, जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए ये वाली स्लाइड क्लियर है, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। राम आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और मॉडिफाई करके बता सकते हैं, ओके कोनिश काला ने बोला था कि लाइसोजाइम क्या आपके आईज में होते हैं, तो बेटा आप जो टीयर्स होते हैं ना जब आप रोते हैं, तो बोला जाता है कि दैट टीयर्स आर नॉट हार्मफुल फॉर योर आईज, दे एक्चुअली काइंड ऑफ प्रोवाइड यू एंटी बैक्टीरियल सपोर्ट, तो बेटा योर टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम, ठीक है, इस वजह से जब आप रोते हैं उसके बाद आपकी आईज काइंड ऑफ वॉश अप, ठीक है, और इट ऑल्सो गेट्स प्रोटेक्टेड वायर दिस एंजाइम। हाँ जी बेटा, विच एनिमल्स लाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट,
विच एनिमल्स सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट, आप पूछ क्या रहे हैं कौन से एनिमल्स सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है? राम आई एम नॉट गेटिंग इट, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली. विच एनिमल्स सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट, मैंने तीनों आपको बता दिए जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है. अच्छा चलो स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका टीथ के बारे में, ठीक है? तो बेटा आप लोगों ने एक चीज तो देखा होगा कि हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टीथ होते हैं, ठीक है? तो बेटा जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टीथ है, उसी चीज के जो अरेंजमेंट है या टाइप है, उसको बेटा बोला जाता है डेंटिशन, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा, व्हाट इज डेंटिशन? डेंटिशन क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का अरेंजमेंट या इन सबको बेटा क्या बोला जाता है? डेंटिशन बोला जाता है. ऑल राइट, इफ एवरीबडी सिग्नेशन आईजीए प्रेजेंट, यस. What's teeth? समी दांत को बोलते हैं यार टीथ. ये क्या पूछ रहे हो आप? टीथ, टूथ. हाँ जी, वेरी गुड रश्मि, ठीक है? तो बेटा एक तरीके की जो डेंटिशन होती है आप लोगों ने सुना होगा, इस कॉल्ड डाइफोडोंट, ठीक है? ये होती है डाइफो डोंट, ठीक है बेटा? डाइफो डोंट करके एक आपकी डेंटिशन आती है, जिसका मतलब होता है कि बेटा आपके लाइफ टाइम में होते हैं दो तरीके के टीथ. तो दो तरीके के टीथ आपकी लाइफ टाइम में प्रेजेंट होते हैं, नहीं होता है ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. आपके बचपन में बेटा जो दांत होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? दूध के दांत, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिल्क टीथ एंड द डेसीड्यूअस टीथ, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया टू टाइप्स ऑफ टीथ इन योर लाइफ टाइम. टू टाइप्स ऑफ टीथ. प्रियांशु बोल रहे हैं मैम सलाइवरी ग्लैंड इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. बेटा आप खुद देखो, आप क्या अपना सलाइवा रोक पाते हो? आर यू लाइक कंट्रोलिंग योर सलाइवा? वेन टू सलाइवेट, वेन टू स्टॉप इट, आर यू एबल टू कंट्रोल दैट? तो आप खुद से मुझे आंसर बताइए. यस, ओके, हाँ जी राम बायोलॉजी, वेरी गुड. तो टू टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं बेटा ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम. ह्यूमंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सिंस दिस टॉपिक इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द ह्यूमंस, सो टू टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहले जो एक तरीके के टीथ आते हैं बेटा वो आते हैं आपके मिल्क टीथ, ठीक है? जिनको क्या बोलते हैं हम बेटा? मिल्क टीथ बोलते हैं. और ये जो मिल्क टीथ होते हैं बेटा इनको हम एक और नाम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड योर डेसीडुअस टीथ, ठीक है बेटा? और ये जो डेसीडुअस टीथ होते हैं बेटा ये आपके लगभग 6 से 12 साल की एज तक बेटा ऑलमोस्ट गिर जाते हैं, ठीक है? तो ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये फॉल्स ऑफ कब से कब तक? 6 से लेके 12 साल की एज तक बेटा ऑलमोस्ट गिर जाते हैं. बट सर्टेन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. कुछ कुछ बच्चों में फिर भी रहते हैं, तो बेटा उनके लाइक उनको कीप इट इन द एक्सेप्शन वाला पार्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा यही चीज होती है. यस, ओके, वेरी गुड. हाँ जी डॉक्टर प्रियांशु, देखिए आपने करेक्टली खुद ही बता दिया इनवॉलेंट्री ना. हाँ जी, वेरी गुड. चलिए तो अब ठीक है, ये हो गए आपके बेटा मिल्क टीथ. और दूसरे होते हैं बेटा आपके परमानेंट टीथ. तो जो जब आते हैं बेटा घर वाले आपको स्पेशली बोल देते हैं कि बेटा अब आप कुछ ऐसी हरकत मत करना कि दांत टूट जाए. अगर दांत टूट गया तो फिर से नया नहीं आएगा, है ना? तो बेटा जो दूसरे वाला टीथ होता है परमानेंट टीथ, ये कब आता है? ये आता है आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ, ठीक है? मिल्क टीथ फॉल्स ऑफ. और बेटा ये चीज तब होती है आफ्टर योर 6 to 12 ईयर्स ऑफ द एज में ये स्टार्ट हो जाता है, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ योर परमानेंट टीथ, ठीक है बेटा? तो यानी कि दो वैरायटी ऑफ टीथ अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो कौन सा आपकी डेंटिशन हो गई? इट इज कॉल्ड द डाइफोडोंट डेंटिशन. ऑल राइट, अब बेटा बात करते हैं कुछ नंबर्स की, ठीक है? कुछ नंबर्स की बात करते हैं. अब बेटा अडल्ट्स में देखा जाए तो अडल्ट्स में बेटा जो डेंटिशन का फॉर्मूला होता है ना हमारे अंदर
जो डेंटिशन फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। और बेटा अगर इसको सम अप कर दिया जाए तो आपके कितने नंबर ऑफ टीथ आएंगे? आपके टीथ आएंगे बेटा 32। और ये कैसे आएंगे ये अभी जानते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा इसमें 2 1 2 3 का क्या चक्कर है देख लो, आपका एक होता है बेटा लोअर जॉ, इधर आ गया अपर जॉ, ठीक है। अब इसमें भी बेटा हमने पार्टीशन कर दिया, कैसे, एक का पार्ट आ गया आपका 1, एक आ गया 2, इधर मान लो 3 पार्ट और इधर आ गया 4 पार्ट। तो बेटा ये जो 2 1 2 3 है ना, ये किस पार्ट को कवर कर रहा है? ये बेटा आपके एक तो इधर वाले पार्ट को कवर कर रहा है, यानी कि यहां से इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका 2 1 2 3 दिखा रहा है, और यहां से इतना वाला पार्ट बेटा ये आपका इतना पार्ट कवर कर रहा है। तो देखा जाए इस डेंटिशन फॉर्मूले से बेटा ओनली हाफ पार्ट ऑफ योर माउथ इज गेटिंग कवर्ड, ठीक है। अब हां जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग को काफी चीजों का आइडिया है। तो बेटा अगर मैं प्रॉपरली अगर आपके टीथ का अलाइनमेंट देखूं तो इस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हो गया। और बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं आपके इंसीजर्स, जो कि बेटा फ्रंट में आते हैं, जो कि जनरली कटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गए बेटा आपके इस तरीके से दो इंसीजर्स, देखो बेटा इस तरीके से नेमिंग है, ये है आपके इंसीजर्स, ठीक है, 2 वाला, फिर 1 वाला कौन सा है बेटा, दीज आर योर कैनाइंस, ठीक है, फिर कौन सा है बेटा, ये है आपके प्री मोलर्स, और फिर है बेटा आपके मोलर्स, ठीक है। तो चलो पहले ना एक काम करते हैं, इनके वो लिख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ है बेटा। तो एक आते हैं आपके इंसीजर्स, ठीक है, फिर आते हैं बेटा आपके कैनाइन, जो कि शार्प होते हैं, ठीक है, आपके साइड वेज में बेटा शार्प होता है। अगर आपने कोई सी भी वेम्पायर रिलेटेड मूवीज देखी होगी, या फिर बेटा आप लोगों ने लाइक डॉग्स वगैरह का देखा होगा, तो उनके जो टीथ होते हैं ना, लाइक द साइड वेज टीथ आर वेरी शार्प, ठीक है, वेरी शार्प इस तरीके से होता है। और बेटा अगर इस तरीके से बताओ तो कुछ वेम्पायर के दांत इस तरीके से दिखाए जाते हैं ना, तो ये जो शार्प मोस्ट टीथ होते हैं, पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, दीज आर द कैनाइंस। और अपने खुद के टीथ में भी आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, लाइक द फ्रंट टीथ जो होते हैं बेटा वो इस तरीके से होते हैं, बट उसके बाद जो आपका एक दांत आता है बेटा, इट इज स्लाइटली पॉइंटेड, हल्का सा बेटा पॉइंटेड है, दैट इज कॉल्ड योर कैनाइन, ठीक है। तो ये बेटा कैनाइन हो गए, फिर आते हैं आपके बेटा प्री मोलर्स, और फिर आते हैं बेटा आपके मोलर्स, ठीक है। और बेटा इसकी अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो किस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी, देखो बेटा नंबरिंग इस तरीके से है, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको वही ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैंने दो इंसीजर्स बना दिए, फिर उसके बाद देखो बेटा डिफरेंट कलर से आई एम ड्रॉइंग द कैनाइन, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कलर से मैंने आपके बना दिए कौन से, प्री मोलर्स, जो कि इस तरीके से होंगे, और फिर बेटा लास्ट में आ जाते हैं आपके मोलर्स, जो कि होते हैं 3 in number, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? तो ये देख रहे हैं आप ओनली हाफ पार्ट कवर हो रहा है, यहां से लेके ये इतने नंबर का। बट मैंने बेटा जो अगर आपको याद होगा इधर कितने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करे, मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करे, तो यानी कि अगर मुझे बेटा टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना है तो बेटा मैं 2 1 2 3 को इंटू 4 कर दूंगी, ठीक है। और बेटा जब मैं इनको इंटू 4 करूंगी, देखो बेटा ये आपका एक एक पार्ट कवर कर रहा था ना, ऊपर वाला एक पार्ट कवर कर रहा था, यहाँ पे एक सेट ऑफ टीथ होंगे, यहाँ एक सेट, यहाँ एक सेट, यहाँ एक सेट, इन टोटल कितने आ गए, 4 आ गए। तो बेटा अगर मैंने 2 1 2 3 को इंटू 4 कर दिया तो आपके पास आ जाएगी बेटा टोटल नंबर ऑफ टीथ, विच यू ऑलरेडी नो इज 32। बट कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है बेटा, कैसे आया है आपको, इसको आप बेटा टोटल करेंगे तो ये बेटा आपका 32 आ जाएगा। That means कि जो आपके adults होते हैं बेटा उसके अंदर होते हैं 32 teeth, all right? प्रियांशु सी रही है, step by step I'll be clearing all of your doubts, since we are only referring अभी तो dentition वाला part, तो अभी मैं वो discuss कर रही हूँ, फिर step by step बेटा what is ectodermal and mesodermal I'll be clearing that, ठीक है? Okay. हाँ जी अरश्मि, वेरी करेक्ट, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन, ठीक है।
तो इधर आ जाओ बेटा, ये क्लियर हुआ। अब देखो बेटा डिफरेंस क्या आता है, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि चिल्ड्रंस में क्या सिचुएशन होती है, चिल्ड्रंस की बेटा डेंटिशन कुछ अलग होती है। दे हैव 2102 काइंड ऑफ डेंटिशन, ठीक है बेटा। और इसमें अगर आप टोटल करेंगे तो इनके पास 20 दांत होते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं फिर से डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं इस तरीके से, और मैं इसके चार क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दूं बेटा, तो अब देखो मैं अगर यहाँ पे टीथ ड्रॉ कर रही हूँ तो फ्रंट में कितने आ गए बेटा आपके, यहाँ पे तो इंसीजर हो गए, फिर कैनाइन आ गए, फिर बेटा आपके आ गए कौन से प्री मोलर्स, और फिर आ गए बेटा आपके मोलर, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। तो बेटा आपके दो इंसीजर होंगे छोटे बच्चों में, एक तो कैनाइन आ जाएगा इस तरीके से, और बेटा जीरो मोलर्स है, और फिर कहते हैं बेटा दो मोलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो मोलर्स आ गए होंगे, इस तरीके की बेटा सिचुएशन डेवलप हुई होगी। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, इतना पार्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीथ रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन? राइट बेटा, क्लियर है तो थम्स अप भेज दिया करो, थोड़ा मुझे क्लियरिफाई हो जाता है कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। दीज वर द टॉपिक, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अब देखो बेटा ये जो मैंने आपको टाइप्स बताया ना, लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, तो बेटा ये भी एक तरीके के डेंटिशन में आता है। डेंटिशन में कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वाले डेंटिशन, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोडोंट, ठीक है। इस टाइप की डेंटिशन को बोलते हैं बेटा हेट्रोडोंट, जिसमें क्या आते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आ रहे हैं, ठीक है। सारे टीथ बेटा जो आपके इंसीजर्स कैनाइन मोलर मोलर है बेटा, ये सारे कैसे हैं, डिफरेंट है दिखने में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आ रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया आपके हेट्रोडोंट, ठीक है। उसके बाद बेटा एक आता है आपका ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट जो होता है बेटा, इट इज बेसिकली बेटा वो आता है आपके कस्प लाइक स्ट्रक्चर के वजह से, ठीक है। तो आप लोग इस डायग्राम पे आ जाओ, अडल्ट्स वाले पे, ठीक है, इधर आ जाओ। तो बेटा आपके जो कैनाइन होते हैं, अगर आप इनर साइड, अपनी इनर साइड से फील करेंगे, तो बेटा आपके कैनाइन जो है इस तरीके से अगर मैंने बनाया, तो बेटा यहाँ पे कुछ आपको हल्का सा 3D लाइक स्ट्रक्चर फील होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा कैनाइन। अगर मैं देखूं तो ऐसा होगा हल्का सा, है ना। तो बेटा ये जो इस तरीके से 3D पार्ट आ गया है, इट इज योर कस्प, ठीक है, इसको बोलते हैं कस्प। अब बेटा कस्प के बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है योर टीथ का, जैसे कि आपका बेटा जो ये होता है कैनाइन, इसमें एक कस्प प्रेजेंट होता है, फिर होते हैं आपके प्री मोलर्स एंड मोलर्स, प्री मोलर्स में दो कस्प और आपके मोलर्स में बेटा फिर तीन कस्प। तो बेस्ड अपॉन द कस्प एक और कैटेगरी आ जाती है, इज योर ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट जो होती है वो होती है बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कस्प इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ टीथ। इज इट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर है बेटा? क्वानिश आप खुद सोचो, इंसीजर्स होंगे, इंसीजर्स होते तो बेटा आगे की साइड आते ना, साइड से निकल रहे दांत कौन से होंगे, थोड़ा सा बेटा खुद से भी यूज करा करो दिमाग। हां जी रश्मि, वेरी करेक्ट, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ गया बेटा, आपके कैनाइन में कस्प प्रेजेंट है,
किस किस में कस्प प्रेजेंट है? कस्प आर प्रेजेंट इन, किस किस में प्रेजेंट है? एक तो बेटा कैनाइन में प्रेजेंट है, दूसरा आपके कौन से में प्रेजेंट है? मोलर्स में, प्री मोलर्स में लिख लेते हैं पहले, ठीक है, सीरीज वाइज चलते हैं। प्री मोलर्स में, प्री मोलर्स में तो बेटा आप इजिली फील कर सकते हैं, है ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है? इस तरीके से होता है ना, जो दाढ़ होती है आपकी इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे इस तरीके से बेटा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कैविटी होने का डर होता है, जहाँ पे खाना फंस जाता है, दैट इज योर कस्प वाला पार्ट। और बेटा दूसरा किस में होता है? मोलर्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके से ऐसे कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा एक और वैरायटी आती है, अगर आप लोगों ने कभी स्कल वगैरह देखा होगा, ठीक है, लाइक इन मूवीज ऑल्सो स्कल वगैरह जब दिखाते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं बेटा, अगर किसी का स्कल मिला है तो उसमें जो टीथ होते हैं बेटा वो भी दिख रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स योर टीथ आर इम्बेडेड इन योर बोन, ठीक है, मसल्स में नहीं है, वो इम्बेडेड है आपकी बोन में। तो इस तरीके टीथ जो कि आपके जॉ सॉकेट में इम्बेडेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? थीकोडोंट। तो हमारा ये अलग दूसरा वाला डेंटिशन आ जाएगा, विच इज कॉल्ड द थीकोडोंट वाला डेंटिशन, ठीक है। चलो अब इसको भी लिख लेते हैं, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। कैनाइन, यस यस अमी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे नहीं भाई, देख कोई बेइज्जती नहीं करी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू यूज योर ओन ब्रेन, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स ऑल्सो ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको खुद से इमेजिन करना पड़ता है सिचुएशन को, सो दैट टू मतलब टू कम टू द आंसर, आंसर तक पहुंचने के लिए खुद का ब्रेन यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई बेटा आई एम सेइंग टू थिंक ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ लाइक, ठीक है मैं तो आपको आंसर कर ही दूंगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप खुद से कोशिश करेंगे तो क्या आप उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कैनाइन कौन से होते हैं, ड्रैकुला का बेटा एग्जाम्पल दे दिया, बैट्स एंड डॉग्स भी बता दिया, अब उसके बाद आप खुद से सोच सकते हैं ना कि एलिफेंट में इस तरीके से साइडवेज निकल रहे दांत, तो वो कौन से होंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग फन ऑफ यू, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इट्स ऑल राइट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट बेटा बस ये है कि आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू यूज योर ओन ब्रेन, सो दैट इफ इन केस एनी सच क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम यू गाइज मस्ट बी एबल टू आंसर दैट, ऑल राइट। चलो तो मेरे को क्या बताना था बेटा, थीकोडोंट। थीकोडोंट बेटा मैंने आपको क्या बताया, ये वाली वैरायटी ऑफ टीथ है जो कि इम्बेडेड होते हैं आपके जॉज में। तो बेटा आपके पास जितने भी टूथ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इम्बेडेड होते हैं इन योर जॉ सॉकेट, ठीक है, तो उनको बेटा बोला जाता है थीकोडोंट। अगर बात करी जाए तो बेटा इस तरीके से अगर आपकी बोन है, ठीक है, ये आपको बाहर से दांत दिख रहा है, तो बेटा इस तरीके से अंदर भी प्रेजेंट होगा, इस तरीके से जॉ सॉकेट में प्रेजेंट होगा ये। ओके अच्छा रश्मि, देखिए एंडोक्राइन आपका अगर लाइक लग रहा है कि आपको थोड़ा वीक है, ऑल दोस हु आर वॉचिंग दिस सेशन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, सीवीटी पीजी में बेटा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ठीक है, आता है, वेरी गुड। दूसरा बेटा एंडोक्राइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, विच ऑल्सो कम्स इन योर सीवीटी पीजी, सो ऑल दोस जिनको एंडोक्राइन में पढ़ना है दे कैन ज्वाइन माई अदर सेशन विच इज लाइक फॉर सीएसआई एंड नेट, बट अगर आप सीवीटी पीजी या यूजी टारगेट कर रहे हैं और उसमें वाला चैप्टर आ रहा है तो बेटा यू कैन आराम से ज्वाइन दैट सेशन, ठीक है। और सेशन की टाइमिंग बेटा जस्ट इसके एंड होते ही स्टार्ट है, ठीक है, मे बी हो सकता है एक दो मिनट का फर्क हो, थोड़ा मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ लाइक फॉर वाटर ब्रेक काइंड ऑफ, ऑल राइट। तो बेटा टाइप ऑफ डेंटिशन इज क्लियर, हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ डेंटिशन कवर कर लिया, तो एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट बना देती हूँ बेटा, टाइप्स ऑफ डेंटिशन हमने क्या क्या कवर करा है, ठीक है, डेंटिशन इसमें बेटा हमने क्या क्या कवर कर लिए थे आपके, सबसे पहले बेटा हम लोगों ने डाइफोडोंट देखा था, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने देखा था वैरायटी ऑफ टीथ विच वाज योर हेट्रोडोंट, फिर बेटा हमने कुछ कस्प लाइक चीजें पढ़ी थी जिसमें आए थे, वो किसमें आए थे, ब्यूनोडोंट में, फिर बेटा उसके बाद हमने देखा था कि इम्बेडेड इन योर जॉ विच वाज कॉल्ड एज थीकोडोंट। तो आई होप आपको ये सारी तरीके की डेंटिशन क्लियर होगी। बेटा अब भी देखो जो मेन है इंपॉर्टेंट डेंटिशन व्हाट ऑल वी हैव वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है,
जितने भी टाइप के लाइक इम्पोर्टेंट डेंटिशन थे बेटा, ऑल आई हैव डिस्कस्ड. टीथ इज डाइफोडोंट एंड थीगोडोंट. यस, वेरी करेक्ट. एंड हेट्रोडोंट ऑल्सो. कॉर्निश हेट्रोडोंट भी है ना मैम? सी एस एन नेट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन रिपीट करोगे आप बेटा? आई एम नॉट श्योर कि दोबारा से रिपीट होगा या क्या कैसे होता है, बट अगर देखते हैं, अगर लेक्चर सीरीज चलती है तो आई ट्राई माई बेस्ट कि रिपीट हो, ठीक है? बट बेटा आप क्या कर सकते हैं, दैट्स वाई आई एम टारगेटिंग टू डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट डिफरेंट लाइक योर सेशन, ताकि आप लोग का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाए, ठीक है बेटा? एक एक घंटे का सेशन, एक एक घंटे तो आप इजिली निकाल सकते हो. ऑल राइट, वेरी गुड. तो बेटा इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ आप लोग को? यस मैम, या थम्स अप लिख दो. ओके, वेरी गुड. किसी ने और पूछा था शालू, आपका देखिए आंसर ना आरुषि पारेख ने दिया है. प्लूरोडोंट वही टीथ होते हैं विच इज नॉट एम्बेडेड इन योर सॉकेट. और बेटा ये हल्के से मतलब सुपरफिशली इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि अगर मान लो आपके थीकोडोंट कुछ इस तरीके से है तो बेटा ये ज्यादा अंदर तक नहीं होंगे, इनकी रूट्स ऊपर तक होगी. मेजर पार्ट जो होगा अपर वाला पार्ट होगा एंड दैट कम्स योर इन योर प्लूरोडोंट. और देखा जाए तो बेटा क्रोकोडाइल वगैरह के अंदर ना आपके प्लूरोडोंट ही पाए जाते हैं, ठीक है? दिस यू कैन एड इन योर लाइक एक्स्ट्रा वाला पार्ट कि प्लूरोडोंट किस में पाए जाते हैं. इट इज प्रेजेंट इन द क्रोकोडाइल. और बेटा इसमें ना एम्बेडेड इन सॉकेट नहीं होता, नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट. ठीक है, किस में बेटा? आपके प्लूरोडोंट में. ओके चलिए, ओसीयूटी पीजी के लिए क्या पूछ रहे हैं आप? सम्मी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सीयूटी पीजी के लिए क्या पूछ रहे हैं आप, जल्दी बताइए क्वेश्चन बेटा. तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ, आप लोग बताइए क्वेश्चन अपना. फिर आई स्टार्ट विद द टीथ का डायग्राम, ठीक है? टूथ का डायग्राम. तो बेटा आपके अगर हम लोग टूथ की बात करें, ठीक है, सिंगल टूथ की बात करें, तो आपके टूथ में बेटा तीन पार्ट्स आते हैं. एक तो होता है बेटा क्राउन वाला पार्ट विच इज विजिबल टू यू, जिसपे आप ब्रश अप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं अपने, जिसको आप चाहते हैं चमकता रहे, वाइट रहे, ठीक है? तो दैट इज पार्ट, जो वाला पार्ट होता है बेटा उसको बोलते हैं क्राउन पार्ट, ठीक है, विच इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद बेटा आता है आपका नेक वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद बेटा वाला पार्ट जो आपके अंदर प्रेजेंट होता है विद इन योर जॉ बोन, ठीक है, जॉ साइड, उसको बोलते हैं बेटा रूट. तो इस तरीके से बेटा जो मेजर आपका जो टूथ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. क्राउन. शुभम प्रजापति, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शुभम, वेलकम टू द सेशन. क्राउन, नेक एंड रूट. अब बेटा देखो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? अब डायग्राम बनाते हैं तो आप इस पे फोकस करना, इधर की साइड में बना रही हूं. तो इस तरीके से बेटा कुछ होगा आपका ये, ठीक है, इस तरीके से बेटा कुछ स्ट्रक्चर आएगा. उसके बाद स्ट्रक्चर विल बी देयर विच इज विजिबल टू यू, जो कि बेटा इस तरीके से होता है, बाहर वाला जो एरिया होता है विच इज विजिबल, जिसपे आप ब्रश करते हैं वो इस तरीके से आता है बेटा, ठीक है? अब इसमें भी बेटा चीजें ना इसी तरीके से नहीं प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से एकदम से क्लैरिटी इस तरीके से नहीं होती है बेटा. ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है कि अंदर जो है, आप लोगों ने अगर एड्स वगैरह देखे होंगे सेंसोडाइन वगैरह के, तो उसमें वो बोलता है ना कि दांतों में अगर तेज झंझनाहट होती है ना, तो ये वाला टूथपेस्ट वगैरह यूज करिए, वो सब. तो वो झंझनाहट वगैरह क्यों होती है बेटा? क्योंकि ब्लड वेसल्स ये सब भी आपके टीथ के जो टूथ है उसके बेसल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है. तो बेटा चलो उसको भी देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसमें किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? आपकी पल्प कैविटी होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि इस तरीके से आ जाती है. इस तरीके से होती है बेटा आपकी पल्प कैविटी. ऑल राइट. और बेटा इसी के अंदर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसी के थ्रू जारी होती हैं और
यहाँ बेटा इस तरीके से फैली होती हैं, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती हैं, इस तरीके से बेटा ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये देखो कौन सा वाला पार्ट पल्प कैविटी का बोला मैंने, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज योर बेटा पल्प कैविटी। ठीक है, ये है बेटा आपका पार्ट है पल्प कैविटी। और देखो बेटा इधर ना आपके कुछ लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको अच्छे से एम्बेडेड रहने में। ठीक है, इस तरीके से बेटा पूरा एक लिगामेंट का सीरीज समझ लो, इधर ऐसे करके प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं प्री ऑर्डेंटल लिगामेंट। ठीक है बेटा, इस तरीके से होता है। और ये वाला पार्ट देखो बेटा, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है इज योर क्राउन पार्ट, इधर साइड से लेबलिंग कर देते हैं। कोलगेट लगाते हैं हम उस पे क्राउन में, यस वेरी गुड वेरी गुड। कोई ट्रिक्स बेटा, कौन सी किसके लिए ट्रिक्स चाहिए आपको, किस चीज के लिए ट्रिक्स चाहिए बेटा, समझा तो मैं रही हूँ आपको, बेसिक इन चीजों के लिए ट्रिक्स चाहिए क्या ये बताइए मुझे। तो ये पार्ट हो गया बेटा क्राउन। ठीक है, अब जो बीच वाला पार्ट है जिसमें बेटा थोड़ा सा आपका जो क्राउन वाला पार्ट आ रहा है और रूट वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, जो बीच वाला पार्ट है जिसमें क्राउन प्लस रूट वाला पार्ट आ रहा है, जिसमें गम्स आपके इस तरीके से बेटा बने हुए हैं, उस एरिया को बोलते हैं नेक। ठीक है बेटा, इतने एरिया को बोल दिया नेक। और बेटा रूट तो आपको विजिबल है ही, ये पूरी क्या हो गई बेटा आपकी रूट हो गई। अब क्लियर हुआ पार्ट्स ऑफ टीथ। जल्दी बताइए बेटा, थम्स अप से बताइए मुझे। और बेटा ये जो मैंने आपको लिगामेंट बताई है, ये है आपकी ओके ओके ओके। हाँ जी, तो बेटा ये जो मैंने आपको बताई है ये है पेरी ऑर्डेंटल लिगामेंट। ठीक है, ये है आपकी पेरी ऑर्डेंटल लिगामेंट। ठीक है, और देखो बेटा और लेबलिंग देखते हैं। अब ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, जिसमें डेंटाइन के बीच वाला ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं आप कौन सा वाला, इस वाले पार्ट की बात कर रही हूं मैं, इधर वाले पार्ट की, ये वाली, ये ऑरेंज वाला, तो बेटा मैंने ऑरेंज से लेबल कर दिया पल्प कैविटी। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है, दिस येलो वाला कलर पार्ट, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग आपका डेंटाइन। ठीक है बेटा, ये होता है आपका डेंटाइन पार्ट। और डेंटाइन पार्ट के बीच में क्या आ रहा है आपका बेटा, आ रहा है पल्प कैविटी। और बेटा ये क्या होता है, ये कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो एक चीज लिख लेते हैं बेटा डेंटाइन के बारे में, इधर की साइड ये क्या होता है बेटा आपका, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बेटा हार्डर होता है, हार्डर देन योर बोन। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? यस यस कोशिश, ब्लड वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में ही वो प्रेजेंट होती है बेटा। अब बेटा पल्प कैविटी में आप ये देख रहे हैं एक नैरो एक्सटेंशन है। ठीक है, नीचे देखो ऊपर की साइड ब्रॉड है, फिर नीचे रूट कैनाल की साइड नीचे आते आते बेस तक बेटा ये काफी नैरो हो गई है, पतली हो गई है, जहां से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं और साथ के साथ बेटा कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी जाती हैं, वो जा रही है। तो बेटा उस एरिया को क्या बोला गया है, उस एरिया को ओपनिंग को बोला गया है एपिकल फोरामेन। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लेबल कर देती हूँ बेटा आपके व्हाइट कलर से। ये वाला जो एरिया है बेटा जहां से आपकी ब्लड वेसल्स पहुंच पा रही हैं पल्प कैविटी के अंदर, इस नैरो पार्ट को, तो मैं लिख देती हूँ नैरो पार्ट ऑफ पल्प कैविटी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एपिकल फोरामेन। ठीक है, ऑल राइट,
अब बेटा ये सोचो, ये जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है या नर्व्स हैं, नर्व्स भी जाती है बेटा, ठीक है, इसमें आपकी कुछ कुछ नर्व्स भी जाती हैं। यहाँ से देखो बेटा, ग्रीन कलर से मैंने कुछ नर्व्स दिखा दी है, ठीक है। और आप एक चीज और मान लो, यहाँ से आपकी क्या जा रही है, लिम्फेटिक वेसल्स भी जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब का काम क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स क्या कर रही होंगी, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या कर रही होंगी बेटा, आपको अगेंस्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होंगी जो भी आपको लाइक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो आपकी नर्व्स है बेटा, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेस, जो सेंसेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, बल्क कैविटी के अंदर बेटा क्या क्या चीज है लिख ले जरा। तो बेटा यहाँ पे मैं एरो बना के ऊपर की साइड लिख दू, तो इसमें है आपकी कुछ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कुछ है बेटा आपकी लिम्फेटिक वेसल्स, और बेटा कुछ है आपकी नर्व्स। ये चीज क्लियर है, हाँ जी, वेरी गुड। अब बेटा जो डेंटाइन है, मैंने आपको बताया ये कौन सी सेल से बनता है, तो बेटा ये बनता है आपकी जिन सेल से, उनका नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ये जिन सेल से बनता है बेटा, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ये बेटा आपका ओडोंटोब्लास्ट से बनता है, और ये आपका बेटा एक्टोडर्मल होता है इन ओरिजिन, इनेमल, व्हाट इनेमल नहीं बताया बेटा, अभी मैंने सिर्फ डेंटाइन का बताया आपको, इनेमल आई हैवंट डिस्कस्ड। कॉर्निश नर्वस सिस्टम, देखिए बेटा अभी मैं टारगेट नहीं कर रही मैम, मेसोडर्मल होता है ओरिजिन, टीथ कमिंग सेल ओडोंटोब्लास्ट बेटा, इनेमल है एक, उसके लिए एक अलग सेल्स होती हैं विच आर कॉल्ड योर अमीलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। उनके बारे में भी बेटा एक फैक्ट पढ़ते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, ये डायग्राम इतना वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, और बेटा जो बच्चे बार बार एक्टोमेसोडर्मल कर रहे हैं, तो जो आपका इनेमल होता है वो किससे डेवलप होता है बेटा, एक्टोडर्मल होता है इन ओरिजिन, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेती हूँ बेटा ओरिजिन के बारे में, तो आपका जो इनेमल है इट इज एक्टोडर्मल, ठीक है, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, और बाकी की इन्फॉर्मेशन बेटा इधर है। ये मुझे बता दो, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को क्लियर है या नहीं, हाँ जी, वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड। अच्छा अब देखो इनेमल पे आ जाओ, इनेमल जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, अभी मैंने आपको डेंटाइन के बारे में बताया बेटा, इट इज फॉर्म फ्रॉम दी सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स विच आर ओडोंटोब्लास्ट। अब आपकी इनेमल किससे बनती है बेटा, इनेमल आपकी बनती है इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमीलोब्लास्ट सेल्स, और बेटा ये अमीलोब्लास्ट सेल्स ना बेटा नॉन रीजनरेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन रीजनरेटिव, यानी कि दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगी। इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए आप ये सोचो, जो आपके परमानेंट टीथ हो जाते हैं, ठीक है, एक बार बन गए, अगर उसके बाद
वो टूट गए किसी भी कारण के वजह से, मे भी हो सकता है आप कुछ गेम खेल रहे हो या आप गिर जाओ, चोट लग जाए, ठीक है, उसकी वजह से आपका दांत टूट जाए, उसके बाद बेटा दोबारा से आपका दांत नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जो सेल्स उसको बनाने वाली हैं वो नॉन रिजनरेटिव हैं, उनमें टेंडेंसी ही नहीं है कि वो दोबारा से फॉर्मेशन कर सके आपके दांत का। इसी वजह से जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करता है, वो आपको बोलता है कि कुछ ऐसे मेटल्स का नाम बता देता है, कह देता है कि चांदी, सोना, जिसका भी लाइक व्हिच एवर इज सूटेबल टू यू अकॉर्डिंग टू योर लाइक कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इसका दांत बनवा लो, ठीक है। तो इसलिए बेटा बोला जाता है ध्यान से खेलना चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके दांत है अगर एक बार जो बन गए परमानेंट टीथ, वो दोबारा से नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको जो बनाने वाली सेल्स है बेटा उनमें वो टेंडेंसी ही नहीं है कि वो दोबारा से सेल्स को फॉर्म करके इनेमल को फॉर्म कर सके। रश्मि आप खुद सोचो क्यों आ जाते हैं दोबारा से, क्यों दांत आ रहे हैं, उनके दांत दोबारा से आ रहे हैं इसका मतलब कुछ रीजनरेशन हो रहा है ना। आपकी स्किन दोबारा से हील क्यों कर पाती है, आपके चोट लग जाती है दोबारा से स्किन क्यों हील कर पाती है बेटा, क्योंकि वहां पे सेल डिविजन हो रहा है, सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, दोबारा से आफ्टर लाइक गेटिंग एन इंजरी योर सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड और फिर बेटा विद टाइम योर स्किन गेट्स हील्ड और वहां पे दोबारा से वैसी लेयर डेवलप हो जाती है। तो दोबारा से बन रहे बेटा क्या मतलब हो गया, रीजनरेशन हो रहा है। ऑलराइट, क्लियर है? और बेटा आपका ये जो इनेमल है ये किस चीज का बना होता है, ये भी हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है ना बेटा बॉडी का। इनेमल जो होता है इट इज सेट टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, जो कि बेटा बनता है आपका किससे, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो इनेमल के बारे में ये चीज भी लिख लेते हैं कि ये किससे बनता है आपके, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इतना पार्ट क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा टीथ का हमने अधिकतर पार्ट जो है वो कवर कर लिया है, अब हम लोग फोकस करेंगे आपकी टंग की तरफ, बकल कैविटी में हमने देखो बेटा क्या क्या कवर कर लिया, आपके सलाइवरी ग्लैंड कवर कर लिए, टीथ कवर कर लिए, अब क्या बचता है बेटा, आपका टंग वाला पार्ट बचता है, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग फोकस करने वाले हैं आपकी टंग पे, तो तैयार हो जाइए। चलिए देखिए, तो बेटा टंग जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है बेस ऑफ ओरल कैविटी और अटैच होती है बेटा बाय फ्रिन्यूलम, अटैच्ड बाय फ्रिन्यूलम। ऑलराइट, और बेटा ये क्या है, अगर आप सोचे जो आपकी टंग है बेटा किस टाइप की मसल है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे टाइप ऑफ मसल्स अगर आपने पढ़ी होगी, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, तो टंग इज व्हाट काइंड ऑफ मसल, जल्दी बताइए। यस आरुषि, वेरी गुड। तो बेटा देखो टंग, आप देखो थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, यू गाइस कैन गेस। यस, वेरी गुड रश्मि, जो आपकी टंग होती है वो होती है आपकी स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल होती है बेटा ये, ठीक है। स्मूथ नहीं होती, स्मूथ नहीं होती जी, नहीं स्मूथ नहीं होती बेटा, सबको यही लगता है स्मूथ मसल होगी, बट इट इज योर स्केलेटल मसल, ठीक है। और बेटा स्केलेटल मसल जो है इसकी पूरी किससे कवर्ड होती है, कवर्ड होती है विद म्यूकस मेम्ब्रेन, कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑलराइट। अरे आरुषि कोई जरूरत नहीं है डिलीट करने की, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, आप लोग को मैं बार बार बोलती हूँ पर आप लोग स्टूडेंट्स क्यों, स्टूडेंट्स आर लाइक सो, प्रजापति पेपली फाउंडेन, यस वेरी गुड वेरी गुड, पेपलीज फाउंडेन टंग, बेटा उस पर भी आते हैं, अभी थोड़ा सा बेस कवर करते हैं, ठीक है, बेस बनाते हैं फिर उसके बाद आते हैं।
अब बेटा क्या होता है, आपकी टंग में आप लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं टेस्ट आता है आपको, ठीक है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट आता है, मीठा खाया, खट्टा खाया, तो इन सबका आपको टेस्ट आता है। अब ये टेस्ट किसके वजह से आता है, आपके टेस्ट बर्ड्स की वजह से आता है। बट बेटा जो टेस्ट बर्ड्स है वो डायरेक्टली आपके टंग पे नहीं प्रेजेंट होता, उससे पहले भी एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड पैपली। पैपली के ऊपर बेटा आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, आपकी जो टंग होती है बेटा उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, टाइनी टाइनी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आपके जो पैपली होते हैं उनके बाद या उनके ऊपर बेटा आपके होते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम टेस्ट बर्ड्स जानना चाहते हैं कहाँ पे कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले बेटा हमें कवर करनी होगी आपकी टाइप्स ऑफ पैपली। ऑलराइट, इतना पार्ट क्लियर है। और एक और चीज देखिए बेटा, अब भी आप में से किसी ने बताया था कि जो हमारे माउथ में अनदर काइंड ऑफ लाइपेज इज देयर विच इज लिंगुअल लाइपेज, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको क्या बोला था, लिंगुअल वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द टंग। तो बेटा आपकी जो टंग होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें बेटा कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड द लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आपकी टंग के पास कौन सा ग्लैंड होता है बेटा, इट इज योर लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। लिंगुअल मैंने बार बार बोला है इज यूज्ड फॉर योर टंग, और बेटा लिंगुअल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स द लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, सिक्रीट्स लिंगुअल लाइपेज, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो, अब मैं जल्दी से एक डायग्राम कवर कर देती हूँ, सिंस द टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके टंग का डायग्राम रिफर करते हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ लाइक पैपलीज जो होती हैं वो मैं आपको बता दूंगी, एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर देयर। और बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्वीट होते हैं, ठीक है, बिटर होता है, सॉल्टी होता है, बट जो स्पाइसी वाला होता है ना, जो आपको तीखा लगता है, उस तरीके का बेटा कोई भी टेस्ट बर्ड आपके माउथ में प्रेजेंट नहीं होता। और ये चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट द टेस्ट बर्ड्स, ठीक है बेटा। सो टिल देन स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड, अच्छे से बेटा पढ़ते रहो और नोट्स अपने बनाते रहो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे टॉपिक्स जो है, आई विल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट कि मैं आपके सारे टॉपिक्स जो है एनिमल फिजियोलॉजी के वो कवर करूं, ठीक है, एंड व्हाटसो एवर इज इंपॉर्टेंट। और बेटा ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे जिससे आपका थोड़ा सा पार्ट ऑफ द चैप्टर गेट्स लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो वील ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर टॉपिक विच एवर वी हैव डिस्कस्ड, सो दैट मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही है या नहीं, आर यू गाइज बींग एबल टू अप्लाई इट ऑन योर क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है। और बेटा एक और चीज है कि आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से वी हैव स्टार्टेड आर बैचेस इन आर अकेडमी विच इज सिचुएटेड इन जीटीडी नगर। तो बेटा वी हैव स्टार्टेड द बैचेस फॉर सीयूटी पीजी यूजी एंड एज वेल एज सीएसआर नेट। और बेटा उसके लिए अगर इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आर अकेडमी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो वन टू वन हो, मेंटोरशिप हो, प्रॉपर हो, ठीक है, प्रॉपरली फॉर्म में आपको लाइक मॉड्यूल्स मिले, ठीक है, और मॉड्यूल्स मिले, असाइनमेंट्स मिले, और टेस्ट सीरीज हो, अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, तो बेटा आप हमारी जो अकेडमी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन आस्क इन द नंबर विच इज मेंशन्ड इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा, उस नंबर पे आप कॉल करके ऑल द डिटेल्स अबाउट आर बैचेस यू कैन आस्क देयर। और बेटा आप हमारी फिर लाइक जो अगर आप चाहते हैं तो हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यू गाइज आर वेरी वेरी मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आर अकेडमी। बेटा नेक्स्ट लाइव जो होगा, अभी है बस मेरा, ठीक है, 11 बजे से है, तो एक दो मिनट का बस गैप समझ लो, फिर आई स्टार्ट इन द लाइक सीएसआर नेट वाली सीरीज में एंडोक्राइन चैप्टर। और एंडोक्राइन में बेटा टुडे आई विल बी कवरिंग योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आज बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो जिनको भी एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ना है बेटा वो सेशन में ज्वाइन कर लेना, बस दो तीन मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, यस पिंकी चौधरी, यस कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टार्च, ठीक है, विच इज स्टार्च। तो स्टार्च जो सबसे पहला कंपोनेंट है विच स्टार्च, मतलब विच स्टार्च टू गेट डाइजेस्टेड इन योर माउथ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है बेटा, आपका स्टार्च आता है, और स्टार्च जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है आपका सलाइवरी अमाइलेज विच इज सिक्रीटेड इन योर माउथ बाय द थ्री काइंड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट लाइव अबाउट डाइजेशन पूछ रहे हैं, तो बेटा वेरी सून होगा,
आई गेस ऑन संडे और लाइक टुमारो, तो वो भी आपको पता चल जाएगा. स्टे ट्यून्ड विद द लाइक चैनल, ठीक है. देखते रहो करो कि कौन से अपकमिंग चैनल्स वगैरह मतलब अपकमिंग सेशंस आने वाले हैं, ठीक है. और व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू गाइस वांट टू लाइक स्टार्ट अनदर यूनिट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी विद मी विच इज योर एंडोक्राइन, सो बेटा यू गाइस कैन ज्वाइन दिस अनदर सेशन विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड लाइक आफ्टर 1-3 मिनट्स, ठीक है. एंडोक्राइन बेटा आज मैं बिल्कुल टोटली नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. हाइपोथैलेमस हमने कंप्लीट कर लिया है, वी विल बी स्टार्टिंग विद द पिट्यूटरी, सो यू कैन ज्वाइन दैट सेशन एज वेल. ओके चलिए, बाय बाय, ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सेशन इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव. ओके गाइज, चलिए बाय बाय.